थाने के मामले में अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हेतु लूटे गए सामानों की बरामदगी एवं एक देसी कट्टा और गोली के साथ कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कुख्यात अपराधी को गिरफ्तारी हेतु सफल उद्भेदन घटना में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु श्री प्रदीप उरांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर टीम के सदस्यों ने तकनीकी एवं पेशेवर तरीके से कांड का अनुसंधान करते हुए कुख्यात अपराधी कर्मी मिथुन कुमार नोनिया को ग्राम महादेव वरण से एक देसी कट्टा 8 चक्र गोली के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है तथा घटना का अंजाम अपने अन्य सहयोगियों के साथ देने की बात स्वीकार की है। उपर्युक्त घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास जारी है। मंडल क्षेत्र में लगातार 3 घटनाएं बढ़ती हुई थी। पहला एक रंगा थाना कांड संख्या 14-22, उसके बाद बड़ोड़वा थाना कांड संख्या 23-22 और उसके बाद कोटाल पोखर कांड संख्या 9-22। ये तीनों घटनाएं लूट से संबंधित थी और कुछ में डकैती भी थी, और इस तीनों घटनाओं के लिए टीम का गठन किया गया था अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़ोड़वा के नेतृत्व में, और इन्होंने सफल नेतृत्व देते हुए बहुत ही पेशेवर तरीके से इस कांड का सफल उद्भेदन तीनों कांडों का किया है। और इस कांड में लूटे गए एक मोटरसाइकिल की बरामदगी भी हुई, साथ ही इस कांड में जो संलिप्त था उसमें से एक पत्र गिरफ्तार किया गया जिसके पास से देसी कट्टा और 8 चक्र गोली बरामद किया गया जो सामने है। और इसके इन्होंने अपनी इस टीम में संलिप्त अन्य अपराधियों की भी नाम बताई, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। और ये इस टीम ने बहुत ही बेहतर काम किया और बहुत ही कम समय में इन तीनों जो घटनाएं थी उसका उद्भेदन सफल किया है। इसके लिए ये सभी बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम को मैं श्रेय देता हूँ। इन्होंने बहुत ही कम समय में इस टीम का सफल उद्भेदन इस अपराध का सफल उद्भेदन किया। धन्यवाद। इससे आपराधिक इतिहास है, इस मिथुन नोनिया का करीब 8 केसों का आपराधिक इतिहास है, सारे पेशेवर क्रिमिनल हैं, और इस तरह का अगर ये नहीं पकड़े जाते तो आने वाले दिनों में और बड़ी घटनाओं को संभावना बनी हुई थी। इसीलिए इस टीम ने बहुत ही कम समय में लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही इस कांड का सफल उद्भेदन किया है, इसीलिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। बाकी टीमों में जो अपराधी है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद। साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, R9 भारत।